दोस्तों, ये है 12 वोल्टेज का महावीर कंपनी का डीसी कन्वर्टर। तो ये ख़राब हो गया है, तो इसमें कमी ये है कि इसमें जैसे ही 12 वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं तो इसमें ये फॉल्ट कर रहा है। देखिए, इसमें लगा करके दिखाते हैं, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में। देखिए, इस तरह से इसमें धुआं निकल जाता है। सिर्फ एक वायर लगाएं तो इसमें धुआं निकल जाता है, और इसमें जो अंदर मॉस्फेट लगे हैं वो हीट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा देर तक लगाए रखेंगे तो इसमें मॉस्फेट हैं वो हीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सर्किट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए ये जो 5 पिन सॉकेट लगे हैं इसके वायर हटाने होंगे, और 5 पिन सॉकेट को बाहर निकालना होगा। तो इस तरीके से बारी बारी से दोनों सॉकेट में वायर को हटा दिया है। अब इसमें लाख लगी होती हैं, ठीक है, दो ऊपर लाख होती हैं और एक एक लाख नीचे होती है। तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से इसको दबाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, देखिए एक निकल आया है, इसी तरह से दूसरा भी निकल आएगा। देखिए, दोनों निकल आए हैं। उसके बाद में इसके सर्किट में जो स्क्रू लगे हैं उसको भी खोल लेते हैं। तो इस तरीके से इसके नट वोल्ट को बारी बारी से खोल लेंगे। इसमें दो नट वोल्ट लगे हुए हैं तो दोनों को बारी बारी से इस तरह से खोल लिया है। अब इसमें एक वायर लगा हुआ है प्लस का, ठीक है, उसको भी हटा देंगे। ऑन ऑफ स्विच में लगा हुआ है, तो इस तरह से सर्किट बाहर निकल आया। अब इसमें जो मॉस्फेट लगे हैं, ठीक है, तो दोनों मॉस्फेट को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से स्क्रू खोल लिया। अब इसमें ब्रश और आयरन की मदद से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं, लेकिन ये सरक रही है तो इसको कन्वेटर वाले को पकड़ा देंगे। देखिए, इस तरह से उन्होंने ये पकड़ लिए, तो इस तरह से ये जल्दी साफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मॉस्फेट को बाहर निकाल लिया है। उसके बाद में जो उसकी ट्रे का है, ठीक है, उसको साफ कर लेना है, ये बिल्कुल टच नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें एक बार फिर से बैटरी के वायर लगाएंगे कि अभी अगर ये शॉर्ट हो रहा है तो समझ लीजिए इसमें डायोड भी खराब है, नहीं तो ये मॉस्फेट खराब है। तो इस तरह से एक वायर लगा लिया, दूसरा वायर देखिए लगा रहे हैं, और इसका इंडिकेटर देखिए जलने लगा है और ये फॉल्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके मॉस्फेट हैं वो ही शॉर्ट हो गए थे, तो इसमें नए मॉस्फेट लगा देंगे, पुराने मॉस्फेट हटा देंगे। तो चलिए, बारी बारी से दोनों स्क्रू इसके खोल लेते हैं और इसकी जगह पर नए मॉस्फेट हैं वो कस लेते हैं। तो इस तरह से दोनों मॉस्फेट हैं वो खोल दिए हैं। अब इसमें इस तरह के ये दो नए मॉस्फेट इसमें कस देंगे, जिसका नंबर है Z44। ठीक है, किसी किसी में 55NV लिखा हुआ होता है, तो इसमें कोई भी लगा देंगे, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे की जगह पर लग जाते हैं। तो इस तरह से दोनों मॉस्फेट कस लिए, अब इनको फिट कर लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, उसके स्क्रू कस देंगे अब। तो इस तरीके से दोनों स्क्रू कस लिए, अब इसको बारी बारी से पेस्ट लगाने के बाद इसको सोल्ड कर लेंगे आयरन से। तो इस तरीके से बारी बारी से इसके सभी पिने सोल्ड कर लेंगे, और एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसकी कोई भी पिन है वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मॉस्फेट है फिर से खराब हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसकी जो बाकी पिन है उसको इस तरह से काट दिया है। तो इस तरह से इसको साफ कर लिया है, जिससे कि साफ दिखाई पड़े कि कोई भी पिन है वो टच नहीं है। तो इस तरह से इसको सोल्ड करने के बाद अब इसको चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें बैटरी की वायर लगा लेते हैं, माइनस का माइनस में, और प्लस वायर आए वो ऑन ऑफ स्विच में लगा था वही वायर इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें वायर लगा दिए हैं। देखिए, इसमें लाल इंडिकेटर है वो जलने लगा है, देखिए अब ये जलने लगा इंडिकेटर। तो अब इसमें चार्जर लगा करके इसको चेक करके दिखाएंगे। तो ये चार्जर है मोबाइल का, तो इसको इस तरह से लगाना है, देखिए ये सही काम करने लगा है। ठीक है,
ये थोड़ी देर तक इसमें जो कैपेसिटर है वो चार्ज बना रहेगा, उसके बाद में फिर से बंद। तो फिर से लगाते हैं, देखिए फिर इसका इंडिकेटर है वो जलने लगा है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, कन्वर्टर के जो सर्किट बोर्ड है इसको कस लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों इसके स्क्रू कस लिए हैं। उसके बाद में ऑन ऑफ स्विच में जो प्लस का वायर लगा हुआ था उसको भी सोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से इसमें 5 पिन सॉकेट है उसी तरह से फिट कर लेना है, वो अपने आप क्लिप हैं वो लग जाएंगे। उसके बाद में इसके जो वायर हैं उसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से हटाए थे उसी तरह से इसको लगाना है। और दोनों में से कोई भी वायर है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसको लगा दिया। अब इसको फिर से एक बार चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरह से बैटरी के वायर प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में लगा दिए हैं, ठीक है। देखिए दोनों वायर हैं वो लग गए हैं और इसमें इंडिकेटर में लाइट है वो आ गई है। तो इसके इंडिकेटर हैं वो फिट भी कर लेते हैं, अभी फिट नहीं हुआ है। जो लाल इंडिकेटर है उसको इसको पहले ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब ये बिल्कुल फिट हो गए हैं दोनों इंडिकेटर। तो इसको फिर से ऑन कर दिया है। तो चलिए अब इसमें लगा करके फिर से चार्जर लगा कर दिखाएंगे और उसके बाद में एलईडी बल्ब लगा कर दिखाएंगे। देखिए ये बिल्कुल ठीक काम करने लगा है। अब इसमें लगाते हैं एलईडी बल्ब। यह दोस्तों बल्ब है 15 वाट का, सिस्का कंपनी का एलईडी बल्ब है। तो चलिए इस बल्ब को जला करके देखते हैं जलता है या नहीं। तो यह दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो ये कन्वर्टर पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो इस तरह से आप कन्वर्टर को अपने घर पर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।